से बीजेपी उम्मीदवार आगे हो गए हैं, यानी बीजेपी के लिए दो सीटों पर बढ़त रुझान में। और देखिए पहला रुझान 20 सीटों का, 12 सीट पर एनडीए आगे, 12 सीट पर एनडीए आगे, इंडी अलायंस 5 पर आगे। देखिए मैंने कहा था बहुत तेजी से आंकड़ा घूमेगा, अन्य 3 पर आगे, 20 सीटों के रुझान इस वक्त आ चुके हैं। इंडी अलायंस 5 पर आगे, एनडीए 12 पर आगे और अन्य 3 पर, यानी शुरुआत में ही अगर आप देखें और बोलते बोलते एनडीए 20 पर आगे हो गया है और इंडी अलायंस 8, अन्य 3 पर। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर वाराणसी से आती हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में आगे चल रहे हैं। वहां पर बीजेपी रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री जीते इसके लिए कोशिश कर रही थी, तो शुरुआती बढ़त एनडीए को मिलती हुई। एनडीए 20 पर है, 31 सीटों के रुझान इस वक्त आ चुके हैं। एनडीए 20, इंडी अलायंस 8 और अन्य के लिए 3 सीटें इस वक्त दिख रही हैं, 33 सीटों का रुझान। इंडी अलायंस भी देखिए बहुत पीछे नहीं है, दक्षिण भारत में से रुझान आ रहा है और वहां पर इंडी अलायंस हमेशा बेहतर करता रहा है। एक और बड़ी खबर, नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं नागपुर की सीट से, करण भूषण भी आगे चल रहे हैं और ये बोलते बोलते बीजेपी और एनडीए अलायंस जो है वो 25 सीटों पर आगे हो गई है। आप देखिए बहुत तेजी से आंकड़ा बदलता हुआ, एनडीए 25 सीटों पर आगे, इंडी अलायंस 10 पर आगे, लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, करण भूषण आगे चल रहे हैं, यानी बीजेपी के तमाम बड़े नेता, राजनांदगांव से भूपेश बघेल आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर देखिए कांग्रेस के लिए, अच्छी खबर आती हुई, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री वो आगे चल रहे हैं, हिसार से रणजीत सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं, यानी हरियाणा में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लड़ाई में दिख रही है। शुरुआती रुझान है, अभी बहुत शुरुआती रुझान है, ये अभी बदलेंगे। बीजेपी के लिए भी आंकड़ा बढ़ सकता है, घट सकता है। अमरावती से नवनीत राणा, देखिए एक और बड़ी खबर, और बोलते बोलते 42 सीटों के रुझान, एनडीए 28, इंडी अलायंस अभी 10 पर अटका है। एक और बड़ी खबर, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ आगे चल रहे हैं, कमलनाथ के बेटे, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ के आगे चलने की खबर है। नवनीत राणा आगे चल रही है, यह भी बड़ी खबर आती हुई। अन्नामलाई जो है वो कोयम्बटूर की सीट से आगे चल रहे हैं, यानी जो बड़े नेता हैं, जो बड़े नाम हैं, वो सारे नाम अभी दिख रहा है कि आगे चल रहे हैं। एनडीए 35 लगातार, देखिए रुझानों की हाफ सेंचुरी हो गई है, 51 सीटों के रुझान आ चुके हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी आगे चल रहे हैं, एनडीए 40 पर पहुंच गया है। इंडिया का आंकड़ा बहुत धीरे धीरे घोंगे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और एनडीए बहुत तेजी से आगे भागता हुआ। रुझानों में 56 सीटों में एनडीए 40, महेश शर्मा नोएडा से, महेश शर्मा बीजेपी के आगे चल रहे हैं, गोरखपुर से रवि किशन आगे हो गए हैं, ये बड़ी खबर, हिसार से रंजीत चौटाला आगे, राजनाथ सिंह आगे। और आप देखिए, हम आपको कह रहे थे, हमने आपसे कहा था, इकलौता चैनल जहां आपको एनडीए का ब्रेकअप दिखता रहेगा, एनडीए 40 है उसमें बीजेपी 21 सीटों पर आगे चल रही है, तो ये भी आपको ब्रेकअप नीचे देखिए, उसके जस्ट नीचे आप देखिए ऊपर टैली में, यहां आपको एनडीए का ब्रेकअप दिख रहा है। आरएलडी 1 सीट पर आगे चल रही है, ये भी दिख रहा है। एनडीए 45, इंडिया 15 और अन्य 5। शिमला से, हिमाचल प्रदेश से देखिए खबर आ रही है, बीजेपी कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, आसनसोल से टीएमसी के कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा पीछे चल रहे हैं, जो पहले बीजेपी में हुआ करते थे उन्होंने पाला बदला, टीएमसी में चले गए और आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के पीछे चलने की खबरें आ रही हैं। अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल से, अनिल बलूनी बीजेपी का मीडिया प्रभार देखते हैं, अनिल बलूनी पौड़ी गढ़वाल से आगे चल रहे हैं, यानी उत्तराखंड में बीजेपी को बढ़त दिख रही है। डिंपल यादव मैनपुरी से, डिंपल यादव आगे चल रही है। एक और बड़ी खबर, मंडी से कंगना रनौत आगे चल रही है। एक और बड़ी खबर, कंगना रनौत मंडी से आगे चलती हुई, यानी हिमाचल प्रदेश में एक जगह पर बीजेपी पीछे, एक जगह पर आगे चल रही है। कंगना रनौत की लड़ाई बहुत बहुत कठिन मानी जा रही है, लेकिन शुरुआत में ही कंगना रनौत ने जब पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं तो बढ़त बना ली है। एनडीए 49, इंडी अलायंस 15 और अन्य 5 पर। एक और बड़ी खबर आ गई, नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर आती हुई। और अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही है। अमेठी और रायबरेली, ये दो ऐसी सीटें जिस पर सबकी नजर है। रायबरेली से राहुल गांधी के आगे चलने की खबर है, अमेठी से स्मृति ईरानी के आगे चलने की खबर है। एनडीए तेजी से भाग रहा है, 100 सीटों के करीब रुझान पहुंच रहा है
और एनडीए ऑलरेडी हाफ सेंचुरी पार करता दिख रहा है। एनडीए 70, इंडिया अलायंस 20 और अन्य 5 पर दिख रहे हैं। 95 सीटों के ये रुझान है और अगर आप देखेंगे जिसमें हम आपको ब्रेकअप भी दिखा रहे हैं उसमें भी आपको स्थिति स्पष्ट होगी। ये देखिए बोलते बोलते एनडीए 80 पर पहुंच गया है। एनडीए 80, रुझान 120, इंडिया अलायंस 30 पर और अन्य 10 पर दिख रहे हैं। राहुल गांधी रायबरेली की सीट पर आगे चलते हुए ये बड़ी खबर आ रही है। और एक और बड़ी खबर कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है, वायनाड से और रायबरेली से दोनों सीट पर राहुल गांधी अब आगे चल रहे हैं। गांधीनगर से अमित शाह आगे चल रहे हैं। गांधीनगर वो सीट है जो 1989 से बीजेपी नहीं हारी है। गांधीनगर वो सीट है जहां नरेंद्र मोदी अपना वोट डालते हैं और उस गांधीनगर की सीट पर अमित शाह आगे चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ गई है उत्तर प्रदेश से, कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, यह बताया जा रहा है। यानी यादव परिवार के लिए अच्छी खबर आ रही है। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे हैं, कैराना से इकराना हसन आगे, ये बड़ी खबर आती हुई। यानी उत्तर प्रदेश में यादव परिवार अपनी जो सीटें हैं कम से कम उसको बचाता हुआ दिख रहा है। ओ एक और बड़ी खबर, लालू यादव की बेटी सारण सीट से पीछे हो गई है, बड़ी खबर। राजीव प्रताप रूड़ी सारण सीट से आगे चलते हुए, लालू यादव की बेटी पीछे, ये आरजेडी के लिए बड़ा झटका होगा अगर लालू यादव की बेटी वहां से हारती है। सारण से पिछली बार भी राजीव प्रताप रूड़ी जीते थे। और एक बड़ी खबर आ गई गाजियाबाद से, अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पहले जनरल वीके सिंह वहां से जो है वहां पर कैंडिडेट होते थे। एक और बड़ी खबर, लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती भी पाटलिपुत्र सीट से पीछे, यानी सारण से छोटी बेटी पीछे, पाटलिपुत्र सीट से बड़ी बेटी पीछे। लालू यादव परिवार के लिए शुरुआती खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं। लालू यादव की दोनों बेटियां पीछे चल रही हैं। एक और बड़ी खबर, मेरठ से अरुण गोविल आगे, बांसुरी स्वराज आगे, मथुरा से हेमा मालिनी आगे। यानी खबरों का तूफान आ रखा है, बीजेपी के ज्यादातर कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बिहार में इंडिया अलायंस को बड़ी उम्मीद थी, नई इंडिया अलायंस को बड़ी उम्मीद थी बिहार से, लेकिन बिहार में लालू यादव की दोनों बेटियां पीछे चल रही हैं, ये बड़ी खबर। मंडी से कंगना रनौत अब पीछे हो गई हैं, ये देखिए मंडी से कंगना रनौत पीछे। एनडीए 101 पर चला गया है, यानी 100 का आंकड़ा शुरुआती रुझानों में पार, एनडीए का शतक हो गया है। एक और बड़ी खबर, पटना से रविशंकर प्रसाद आगे चल रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट, यानी एनडीए का रुझानों में शतक लग चुका है। इंडिया अलायंस 40 पर अटका है, हाफ सेंचुरी तक नहीं पहुंचा है और अन्य 10 पर हैं। यानी एनडीए का शतक, 150 सीटों में एनडीए का शतक हो चुका है और अभी ये शुरुआती रुझान है। ईवीएम की काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, ये ध्यान रखिएगा, अभी पोस्टल बैलेट गिने जा रहे हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव आगे, यूपी में अखिलेश यादव के परिवार के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं, भले लालू यादव के परिवार के लिए, बिहार से लालू यादव के परिवार के लिए अच्छी खबरें नहीं, लेकिन धर्मेंद्र यादव भी आजमगढ़ से आगे चलते हुए यूपी में अखिलेश यादव के लिए अच्छी खबरें। पूरी सीट संबित पात्रा, जो कि पूरी सीट से पिछली बार हार गए थे, संबित पात्रा जो कि सारे डिबेट वगैरह छोड़कर मेहनत कर रहे थे पूरी में, वो आगे चल रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री करनाल से उन्हें कैंडिडेट बनाया गया था, मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया, लोगों ने बड़ा हंगामा किया कि भाई इनसे मोह भंग हो गया नरेंद्र मोदी का, लेकिन उनको लोकसभा का टिकट मिला। अब हरियाणा के करनाल से मनोहर लाल खट्टर आगे चल रहे हैं, ये बताया जा रहा है।